अच्छा यूट्यूबिंग कितने फॉलोअर्स वगैरह? 11 लाख हो गए। हस्बैंड को भेजेंगी ये तस्वीर? अच्छा, बॉयफ्रेंड को? मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ये बैठे बैठे करना है या खड़े खड़े करना है? अच्छा, वो वाला सिस्टम चला क्या, वो माइक लेके खड़े हो क्या? अच्छा, तो सरदारों ये है कि यू नो, किसी की इज्जत बचाने के लिए अगर आप पगड़ी निकालें और खुद के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको तो वो हमको एक वो एक सीन था यहाँ फिल्म के अंदर जहाँ पर एक बच्ची को रेप करते हैं, उसको ड्रग्स पे लगाते हैं, रेप करते हैं और उसको तेजाब, उस पर तेजाब फेंक कर उसको मार देते हैं और बीच कॉलेज में छोड़ देते हैं। तो अब सब खड़े हैं वहाँ पर, तो और यूजुअली कोई और पिक्चर में आप देखते तो दे वर शोन नेकेड बॉडी, वी डोंट डू दैट, तो वी हैड हर कवर्ड एंड उसके बाद पगड़ी उतारता हूँ और वो पगड़ी उसके ऊपर फॉर हर, ताकि यू नो शी इज़ नॉट एक्सपोज टू दैट वो, एंड देन ही गोज़ आफ्टर दोज बॉयज। तो ये था या तो बेसिकली वन जब हम किसी कल्चर के ऊपर या रिलीजन के ऊपर या एक कल्ट के ऊपर या एक रिलीजन के ऊपर यू नो फिल्म बनाते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट एंड यू नीड टू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अब जैसे हम दिल दे चुकी बनी थी यू नो गुजरातीज़ पर, यू नो गुजरात में, सो दैट ब्यूटिफुल यू नो गुजराती लव स्टोरी। दैन जैसे हम आपके हैं कौन बनती है, सो बिकॉज यू नो सूरज जी इज यू नो दैट होल जॉइंट फैमिली, सो यू नो सो देन यू शो द जॉइंट फैमिलीज दैट एज ब्यूटिफुल जॉइंट फैमिलीज। अब तो ये आई ऑल्सो व्हेन आई प्लेड सरदार इन हीरोज मेड हिम लाइक अ warrior, you know, they are warriors, so you know portray them as, you know, they're like everyone is good. I mean, like if you're playing a Muslim character or if you're playing any character like Prem, most of my characters I play all Hindu characters, so in my characters also agar aapne notice kiya hai to kabhi koi bad language nahi hoga, kahin koi exposing nahi hoga, कहीं लव मेकिंग सीन्स या किसिंग सीन्स नहीं होगा, आई डोंट डू एनी ऑफ दैट स्टफ। तो दैट इज़ द वे आई थिंक यू नो दैट सिनेमा शुड बी। आजकल ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है बिकॉज ऑफ OTT, सो यू फील आई मीन आई कॉन्ट इवन वॉच दैट कॉन्टेंट, बट पीपल डू वॉच इट, सो पीपल आर मेकिंग इट। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द मेकर्स, इट्स पीपल आर वॉचिंग, तो वो देख लिया एंड सम पीपल ऑल्सो कमेंट कि यार ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, बट सम दे मेक इट। सो देट इज जस्ट बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग इट, दैट डज नॉट मीन दैट आई विल डू इट। एंड क्योंकि माई मदर माई फादर सीनियर्स फैंस चिल्ड्रन दे सी दीज फिल्म्स ऑफ माइन, सो आई लाइक टू कीप देम वेरी क्लीन। या और मुझे मेरा मानना ये है कि जब आप पिक्चर देखने आओ और फिर वो थिएटर से निकलो, यू नो, तो आपके दिमाग के अंदर एटलीस्ट 20-25% यू नो यू शुड टर्न यू नो लाइक बी अ बेटर पर्सन, वांट टू बी लाइक द हीरो बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही इज डन एंड नॉट फॉलो द विलन। तो दैट इज़ हाउ
आई लाइक टू डू माई मूवीज़। फिर जैसे कि एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, एंड दैट फिल्म आई प्लेड अ लूजर्स कैरेक्टर, और थ्रू आउट द फिल्म मैंने यही प्रमोट किया उस पिक्चर को, पिक्चर जाके देखो, हेयर स्टाइल फॉलो कर लो, कपड़े फॉलो कर लो, इसका किरदार, इसका कैरेक्टर फॉलो ना करना। दैट्स थ्रू आउट दैट होल पब्लिसिटी कैंपेन आई हैव गॉन एंड डन दैट। आउट हियर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट कॉप जिसके हाथ हमेशा बंधे हुए हैं, ही गोज टू हिज ह्यूमिलिएशंस, बट करेक्ट चलता है आदमी, दिमाग से चलता है, और इवेंचुअली जो उसको करना है ही गेट्स इट डन। शांत स्वभाव का है, बट जब वो एक्शन पे आती है बात, तो फिर वो उड़ उड़ के लात भी मारता है। तो ये दबंग के अंदर हुआ था। तो दबंग के अंदर, द फर्स्ट दबंग के अंदर जब मैंने अरबाज को मारा था दबंग के अंदर, तो जैसे ट्रायल ख़त्म हुआ और हान आया, रोते रोते मुझे मारना शुरू कर दिया। तब से क्या हुआ बेटा, ये जो यू हिट माई पापा यू हिट माई डैडी, और इतने ज़ोर ज़ोर से मेरे को मारा उसने, तो दैट टू हग हिम एंड यू नो कॉल अरबाज एंड हग अरबाज, दैट्स ऑल एक्टिंग, नाउ आई शो यू हाउ वी फॉट। तो पूरा हमको अरबाज और मुझे ना उसको पूरा सीक्वेंस दिखाना पड़ा, और फिर जाके उसको समझ में आया कि ये मारा मारी नहीं हो रही है, ये इज जस्ट एक्टिंग। और फिर उसने फिर वापस से यू नो ही स्टार्टेड डूइंग, ही थॉट वाज फन, सो देन ही स्टार्टेड यू नो डूइंग एक्शन विद अस। या बट वो बच्चों के दिमाग पर असर होता है। अब मेरे फादर कुछ समय पहले बोल रहे थे, उन्होंने जब फाइनल देखा रश प्रिंट, तो उन्होंने बोला कि वो जो लव मेकिंग सीन है ना वो काट देना। तो आई एम लाइक, वो लव मेकिंग सीन है ही नहीं पिक्चर में। इस एंड व्हेन ही गोज ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ द लीडिंग लेडी, हाँ कट दैट। तो सर डैडी, आपने कभी थोड़ा सा कोई OTT कंटेंट देखा है क्या? ये तो हमने ऐसा लग रहा है कि पोप के लिए पिक्चर बनाया है, देयर इज नथिंग इन इट। इस नहीं, फिर भी देन ही टोल्ड मी अगेन कन्फर्म इज पीपल दैट आई वॉक विद, जिनके साथ मैं वो चलने को जाता हूँ सुबह को, तो वो बोलते हैं जैसे कि आपने बोला कि एकदम बेफिक्र होकर हमारे बच्चों को यू नो पिक्चर दिखा देते हैं, यू नो पीपल टेक द फैमिलीज टू गो एंड वॉच आर मूवीज़, माई मूवीज़। तो ऐसे वो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको एक शॉट, तो उसको हमने फेड आउट कर दिया एक 3-4 सेकेंड पहले। तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव। अब दूसरे लोगों की बिलीव कुछ और है कि ये सभी कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं का समझ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं करूँ। आई हैव माई ओन थिंग्स ऑन। जी फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई जब मैं बोलूँ ना कि मैं पिक्चर के अंदर हूँ, तो इसका मतलब पिक्चर के अंदर हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा गेस्ट अपीयरेंस होता, छोटा मोटा रोल होता, 8-10-15 मिनट का रोल होता, तो मैं आपको खुद बता देता कि ये 8-10-15 मिनट का रोल है। मैं तो वो भी नहीं करता, मैं सिर्फ आयुष की पिक्चर लगाता वहाँ पर, और फिर जब आप जाते हैं थिएटर के अंदर तो आपको पता चलता, अरे ये भी है 15 मिनट के लिए। सो आई नो एक ये रूमर आया था बाहर के, अभी भी है कि सलमान इज़ वेरी लिटिल इन द फिल्म। अब वो फैलाने वाले हैं, ठीक है, उनका काम है, वो ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस पिक्चर से हम इंस्पायर्ड थे वो थी मुंशी पैटर्न। उसके अंदर वो जो नन्या, जो हमारे पिक्चर में नन्या भाई हैं, उन्होंने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा किया था, तो उनके 4-6 सीन थे। तो वहाँ से ये बात निकली, मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था, और फिर आयुष ने प्रमोशन शुरू कर दिया, तो सबको लगा कि आयुष है, मैं नहीं हूँ। और फिर जब तक मैं आया तो इट हैड ऑलरेडी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर।
So, but now people are watching it. They realize that not only am I throughout the film, but reviews on me, on Ayush and Mahima, Mahesh Manjrekar, everyone is all positive. Everyone's loved the film. तो जिन जिन ने नहीं देखी है वो जाके पिक्चर देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा, अलग ही पिक्चर है ये। I don't want that aura. I don't want it at all. I think it's a waste. आई मीन अब वो दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहाँ पे थिएटर के अंदर आग लगी थी, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड देयर। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी डेंजरस, इज़ वेरी डेंजरस थिंग टू बर्स्ट क्रैकर्स। आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन, आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट के देयर फेवरेट हीरो कॉल मी भाईजान, भाई यू नो ही इज़ कमिंग थिएटर्स आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम।